हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका बिहार या स्टेट पेपर वन फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम कल है, आपके पास टाइम थोड़ा भी नहीं है। दोस्तों, यह शारीरिक शिक्षा का प्रैक्टिस मॉडल सेट 6 है। इसके पहले मैं 5 सेट आपको दे चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। सभी वीडियो को आई होप कि आप देख चुके होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हर एक सेट में है, यानी कि 10 सेट यानी कि 1000 क्वेश्चन। इतना में आप 100% होकर पास हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम नहीं है, इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को फटाफट से रिविजन कराती हूँ, जिसमें मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगी, ओनली क्वेश्चन का आंसर टिक करूँगी। तो दोस्तों, HIV बॉडी में कैसे फैलता है? तो इसी 3 कारणों से फैलता है, याद रखिए। एक ब्लड, यानी कि जो सुई का प्रयोग है, किसी और संक्रमित व्यक्ति से प्रयोग कर लिए, दोबारा उसी को दूसरे व्यक्ति में कर दिए। एंड एक असुरक्षित यौन संबंध, एक होता है माता के गर्भ में बच्चा रहता है उस समय, अगर माता उससे ग्रसित होती है तो फैलता है। इन 3 कारणों से ही फैलता है, चौथा कोई कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे ब्लड, स्पर्म, यौनिक द्रव्य, यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फैलने का क्या कारण है? तो यह वायरस से फैलता है, और वो वायरस से एडिज एरेचाई मच्छर के काटने से फैलता है, जो इसमें प्लेटलेट्स जो है प्लेटलेट्स खत्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? तो 45 सेंटीमीटर होता है। एंड नेक्स्ट है, मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? तो आप सबको पता है, 42.195 किलोमीटर, 26 मील, 385 गज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो कौन है वो? वो है आपका मनीषा कल्याण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो 15 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं, 15 चौका 60 मिनट की होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणवायु कौन है? दोस्तों, आप सबको पता है ऑक्सीजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो मस्तिष्क के सतह में होती है, एंड जिसे हम सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, प्रमुख ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंड यहाँ पे 59 क्वेश्चन है, तो 60वां क्वेश्चन कहाँ है आपका? यहाँ है। तो चलते हैं 60वां क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फेफड़े हिस्सा है तो किसका हिस्सा है? सबको पता है श्वसन तंत्र का हिस्सा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है जो है गेहूं होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशाब से प्रतिदिन पानी कितना खर्च होता है? तो 1500 ml यानी 1.5 लीटर के लगभग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त ले जाती हैं, धमनियाँ हृदय से शरीर के अंगों की तरफ, यहाँ हृदय से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रण हृदय का वजन कितना होता है? तो 260 से 300 ग्राम का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को सड़क के लिए कार्रवाई का दशक घोषित किया? तो वो है 2000, कौन सा है वो? 2010। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पुलिस दुर्घटना रिपोर्ट दर्ज की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? परिचारक पुलिस अधिकारी के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा खिलाड़ियों को। एंड 68वां क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है आपका क्वेश्चन है, भारतीय उड़न सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख यानी उड़न सिख के नाम से जाना जाते हैं मिल्खा सिंह, एंड उड़न परी पीटी उषा, ढिंग एक्सप्रेस जाना जाता है हिमा दास को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए माँ का दूध क्यों जरूरी है? जानते हैं, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है, संपूर्ण आहार होता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? या सीवर का पानी प्रमुख स्रोत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के समय हृदय गति यानी हार्ट बीट प्रति मिनट कितनी रहनी चाहिए? तो दोस्तों, प्रशिक्षक के समय हार्ट बीट 180 तक पहुंच जाती है, और एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का हार्ट बीट 40 से 50 प्रति मिनट धड़कता है, जबकि सामान्य में
72 बार धड़कता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। 175 आपका राइट हो सकता है बट आयोग जो माने। ठीक है, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट होती है, 45 45 मिनट के दो हाफ, 15 मिनट का बीच में मध्यांतर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम जी मॉर्गन ने, अमेरिका के YMCA कॉलेज में 1895 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है, जो 1896 में कांस्य पदक जीते थे ओलंपिक में। नेक्स्ट दोस्तों, मुक्केबाजी किस जिस स्थान पर कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? रिंग बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। 77 78 क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 16 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो अंतिम पंघाल थी। एंड वर्तमान में है आपकी प्रिया मलिक 2023 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपका क्रिकेट से। एसेज शब्द किससे है? एक क्रिकेट से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसी का नाम अभी भी है, इसी का नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 91-92 1991-92 में हुआ था, और इसमें 25 लाख की धनराशि इनाम स्वरूप दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो दोस्तों, जन्मजात प्रेरक है भूख है, प्यास है, नींद है, बट आदत नहीं है, जन्म के बाद आदतें होती हैं आपके कार्य के अनुसार। नेक्स्ट दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, आप सबको पता है, अरस्तु जी ने कहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताएं का आयोजन कौन कराता है? तो SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इससे का उल्लेख किस सिद्धांत में है? तो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सरपर्स एनर्जी थ्योरी में है, जिसका प्रतिपादक है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर। एंड 86 क्वेश्चन है, 87 क्वेश्चन में चलते हैं, 87 क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर है तो कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? 2 अंक के बढ़त के साथ जिसका अंक होगा, यानी 22 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है? तो महिला वर्ग में आपका होता है फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्टिंग हार्स, सीवेंटिकल वार यानी अनवियर वार, एंड बैलेंसिंग बीम। तो यहाँ पे कौन नहीं है? पामेल हार्स नहीं है। एंड जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए 6 एक्सरसाइज एंड महिलाओं के लिए 4 होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एशियाई खेलों का आयोजन कौन कराता है? दोस्तों, तो OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराता है, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत खेल है? तो बेसबॉल, सेपक टकरा, कबड्डी एक टीम खेल है, जबकि फेंसिंग जो है वो व्यक्तिगत खेल है, तलवारबाजी को फेंसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो दोस्तों, 8 है, हॉकी में प्राप्त किया है, 1 2008 में अभिनव बिंद्रन 10 मीटर एयर राइफल में प्राप्त किया है, और 1 आपका 9 हो गया, और 1 आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया है भाला फेंक में, यानी कुल 10 हो गए। तो वर्तमान में 10 अब तक में 10 स्वर्ण पदक भारत ने ओलंपिक में प्राप्त किया है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श करता है? तो 100 200 400 मीटर में करता है, और 400 मीटर के अधिक की दूरी में नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में लिब्रो के लिए कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता, दोस्तों ब्लॉकिंग कर सकता है, फ्रंट कोर्ट से आक्रमण कर सकता है, अटैक लाइन के आगे जाकर स्मैश कर सकता है, बट सर्विस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहन शक्ति परीक्षण के लिए कौन क्या प्रयोग होता है? जो ट्रेडमिल होता है, दौड़ में किया गया कार्य के रूप में जाना जाता है, जो सहन शक्ति परीक्षण के एरोबिक कार्य है, तो
तो जो भी एरोबिक क्रिया होगी वो सांस शक्ति के लिए होगी। एंड 94 क्वेश्चन है ये, 95 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित है। तो ये इतना तो मुझे मालूम नहीं है 2010 में किसको किसको मिला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है साइना नेहवाल। ठीक है, आप देख लीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा कि हाँ गलत बताए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने की पुष्टि के बाद अंतिम समय में उसे इवेंट से भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेना लेती है तो उसके लिए क्या निर्णय होगा। तो उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमोर्फ का क्या तात्पर्य है। सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप बताया है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक। एंडोमोर्फिक यानी गोलकार शरीर, यानी कि वसायुक्त गोलकार मोटा वसायुक्त शरीर जो आनंद युक्त होते हैं, हसमुख होते हैं। और दूसरा होता है आपका मेसोमोर्फिक, जो मसल्स यानी मजबूत शरीर वाले एथलेटिक बॉडी होती है। यहाँ पे एथलेटिक आपका राइट हो जाएगा, जबकि एक्टोमोर्फिक जो होता है पतला दुबला शरीर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है। तो प्रशिक्षण साइकिल में तीन साइकिल होते हैं, माइक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र सबसे बड़ा चक्र होता है जो 3 से 12 महीने एक साल का होता है। मीजो चक्र 3 से 6 सप्ताह यानी कि 2 से 1.5 से 2 महीने का होता है। एंड माइक्रो चक्र 7 से 10 दिन का होता है यानी 1 सप्ताह का होता है। तो यहाँ पे 7 दिन माइक्रो चक्र की अवधि होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है। तो रक्तचाप का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी को किसने दिया था। तो कोहलर ने दिया था, जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पाइरोमीटर किसका माप करता है। तो फेफड़ों की क्षमता की माप करता है। 101 क्वेश्चन है यह, 102 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 102 क्वेश्चन है कि किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा सीन गार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फुटबॉल के खिलाड़ी के द्वारा। नेक्स्ट है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। महिला हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो खेल की प्रतियोगिता एरिया कितना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 16x16 होता है मीटर एंड कम से कम 14x14 मीटर। तो 14x14 आपका सही माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कबड्डी खेल में लोना कितने अंक का होता है। तो लोना 2 अंक का होता है। जब एक पारी के सभी खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है तो 2 अंक का लोना मिलता है विरोधी टीम को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दांतों में स्कर्वी हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आप सबको पता है हॉकी के खिलाड़ी हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की माप क्या होती है। तो 40x20 मीटर होती है लंबाई चौड़ाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है। तो यह वॉलीबॉल से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजलन शाह कप किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है अजलन शाह कप, वो है आपका हॉकी से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। तो वॉलीबॉल से, ये बहुत सारे 3-4 गेमों से संबंधित है। ठीक है, 111वां क्वेश्चन है, 112वां क्वेश्चन आपका यहाँ है। क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है। सबको पता है 800 ग्राम और महिलाओं के लिए 600 ग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, ये पाचन तंत्र से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन कितना होता है। तो महिलाओं के लिए हैंडबॉल का 400 ग्राम अधिकतम वजन होता है और पुरुषों के लिए 425 से 475 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है। तो दांतों में हो जाता है विटामिन सी की कमी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है लंबी दूरी के धावक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट्रिकल यानी कि निलय किस का हिस्सा है या हृदय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश स्रोत है तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिविर का अनुशासन कैसा होता है। तो हमेशा कठोर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ की हड्डी का क्या नाम है। तो फीमर, जो सबसे शरीर की लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो मक्खन जो है वसा का सबसे अच्छा स्रोत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल कैसे प्रारंभ किया जाता है। तो दोस्तों बाल उछाल कर यानी कि जंप बाल से किया जाता है। तो यहाँ पे बास्केटबॉल कैसे शुरू किया जाता है।
तो बाल उछाल कर किया जाता है। कैसे? बाल उछाल कर यानी जंप बाल बोला जाता है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है। एंड नेक्स्ट है, शिक्षा में खेल विधि प्ले वे इन एजुकेशन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कालवेल कुक को माना जाता है। लेकिन एंड किंडरगार्टन पद्धति पर प्रयोग किसने किया? तो फ्रॉवेल ने किया। याद रखिएगा, किंडरगार्टन पूछेगा तो फ्रॉवेल और खेल विधि पूछेगा तो कालवेल कुक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब किस देश ने जीता है अभी तक में? तो भारत ने जीता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और महिला क्रिकेट का पहला विश्व कप 1973 में हुआ था, जिसे महिला क्रिकेट विश्व कप को हार्वर्ड कप के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो फुटबॉल में गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का होता है, जिसमें 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। 131वां क्वेश्चन है, 132 की तरफ चलते हैं। 132 क्वेश्चन यहाँ आ गया। क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? तो 10 गज यहाँ पे आंसर दिया हुआ था, बट 2 मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 गज माना गया है, जबकि गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 टीमों के लीग फिक्स्चर में कुल कितने मैच होंगे? तो लीग टूर्नामेंट के सिंगल लीग एंड डबल लीग 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n(n-1)/2, और डबल लीग में है n(n-1), बस अपान 2 नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा n(n-1)/2? तो क्या हो जाएगा, 5 टीमें हैं, तो 5 5-1/2, यानी कि क्या हो जाएगा, 5×4/2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5×4=20, ठीक है, 5×4=20/2, ठीक है, यानी कि 10×2=20 कटे है, 10 आया। अगर सिंगल लीग रहेगा तो 10 आएगा, और डबल लीग रहेगा तो 20 आएगा। तो यहाँ पे 10-20 दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो जब सिंगल डबल पूछा ही नहीं है तो यहाँ पे 10 मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से विटामिन सी किसमें है? तो यहाँ पे हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस रोग यानी पीलिया जिसे हेपेटाइटिस बोला जाता है, यह सर्वाधिक लाभकारी कौन सा होता है? गन्ना उसमें सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायता करता है? तो उसे हम कहते हैं सहायक स्थानांतरण। जब सहायता नहीं करता है, बाधा पहुंचाता है, तो उसे कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। जब न सहायता करता है न बाधा पहुंचाता है, तो उसे कहते हैं शून्यात्मक स्थानांतरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? तो पावर प्ले कौन साइड लेता है, इसमें आंसर दिया हुआ है बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों साइड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 8 वर्षों के लिए होता है IOC के अध्यक्ष का चुनाव। वर्तमान में थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? तो 9 इंच चौड़ाई होती है, 28 इंच आपका ऊंचाई होती है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? तो 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं, 10-2-10 एंड 15 मिनट का मध्यांतर, फिर 10-2-10। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणायाम में रेचक का क्या अर्थ है? तो प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को अंदर लेना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, और रेचक मतलब सांस को छोड़ना, बाहर छोड़ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 है, सांस छोड़ना। एंड 41वां यह क्वेश्चन है, 142वां 142वां क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षक के अंतर्गत आता है? दोस्तों यहाँ पे खड़े होकर दीवार पुश करना, रोमन रिंग, राइफल पकड़ना, ये सभी आइसोमेट्रिक में आ जाएंगे, जिसमें पेशियाँ की लंबाई घटती है न बढ़ती है, कार्य होता कुछ दिखाई नहीं देता है, यानी कि ये आइसोटोनिक है, जिसमें मांसपेशियाँ छोटी बड़ी होती हैं, और कार्य होता स्पष्ट दिखाई देता है, इस तनाव बना रहता है। यहाँ पे वेट ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा, आइसोटोनिक के अंतर्गत आएगा।
एंड नेक्स्ट है वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, तो अनुवांशिकता भी है, पर्यावरण भी है, जलवायु भी है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है इनमें से सभी। नेक्स्ट है फास्बरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट का तकनीक है, तो यह ऊंची कूद का तकनीक है, आधुनिक तकनीक फास्बरी फ्लॉप, जिसे डिक फास्बरी ने खोजा था 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में सबसे पहले। नेक्स्ट है वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है, यह विस्फोटक शक्ति, पैरों की विस्फोटक शक्ति को मापता है वर्टिकल जंप, ये किसमें प्रयोग होता है, तो बास्केटबॉल खेल के ले अप स्टार्ट करने में, वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग करने में, रोप जंप या रस्सी दौड़ में, ये सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा इन सभी में। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात को ध्यान रखना आवश्यक होता है, आवश्यक नहीं है यहाँ पे, तो बच्चों की आवश्यकता क्या है, अवश्य आवश्यकता है, वित्त की सुविधाएं भी आवश्यक है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य भी आवश्यक है, बट धार्मिक आधार यहाँ पे आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीता था, तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में चीन में हुआ था, जिसमें सुशील कुमार 66 किलोग्राम एंड कुश्ती में एंड विजेंद्र सिंह कुमार 75 किलोग्राम बॉक्सिंग में जीता था, ठीक है, कांस्य पदक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है, तो वैज्ञानिक प्रमाणिकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, शैक्षणिक प्रयोग हो, ये सभी मानदंड आवश्यक है, इनमें से सभी आपका राइट होगा। वैज्ञानिक प्रमाणिकता में रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, ये सभी होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस से रिलेटेड है, तो देवधर ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था, तो थार्नडाइक ने किया था। थार्नडाइक ने 3 मुख्य अभ्यास के सिद्धांत दिए हैं, सीखने के सिद्धांत दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का सिद्धांत, एंड लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का सिद्धांत। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट 6, इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया है, 4 प्रैक्टिस सेट और बचा हुआ है, फटाफट से आप रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए